तो मोदी सरकार के ने दूसरे कार्यकाल का बजट पेश कर दिया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए जो महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया है उसमें स्टार्टअप से लेकर स्पेस प्रोग्राम चलाने की बात कही है, एनआरआईस को भारत में लैंडिंग के साथ ही अराइवल के साथ ही आधार देने की बात की गई है और उसे जल्द से जल्द आधार देने की बात कही गई है जिनके पास इंडियन पासपोर्ट होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कही गई है कि एविएशन मीडिया और सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई को लचीला बनाया जाएगा, रेलवे में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, इंश्योरेंस में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी मिलेगी और मीडिया एविएशन जैसा कि हमने आपको बताया जैसे सेक्टर्स में और सिंगल ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाए जाने पर विचार किया जाएगा। सालाना इन्वेस्टर्स मीट की बात भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है और वित्त मंत्री ये भी बता रही हैं कि देश को हर साल 20 लाख करोड़ रुपए निवेश की जरूरत है, सरकार ये पैसा जुटाने के लिए निवेश के नियम नरम करेगी और विदेशी निवेशकों को सहूलियत दी जाएगी। हमारे साथ दो मेहमान लगातार बने हुए हैं, रवि श्रीवास्तव और अमरीश राय। रवि श्रीवास्तव अर्थशास्त्री हैं, अमरीश राय सोशल सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर को करीब से देखते और समझते हैं। रवि श्रीवास्तव जी, अभी हमने बताया कि जैसे उन्होंने एनआरआईस को भारत में अराइवल के साथ ही आधार के साथ जोड़ने की बात कही है, एक और बात कही गई है कि आधार और पैन कार्ड अब इंटरचेंजेबल होंगे, यानी आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं भी है तो भी आप आईटी रिटर्न भर सकते हैं, और एफडीआई की जो बढ़ाने की बात कही गई है इसका इकोनॉमी पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है? तो देखिए, जो पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि बड़ी तस्वीर की अगर हम बात करें, जो बड़ी समस्याएं हैं इस समय, तो उस संदर्भ में अगर बजट को देखें तो ये दिखाई पड़ता है कि बहुत सारी चीज़ें जिनको हम सोच रहे थे कि बजट इस समय उनको देखने की कोशिश करेगा या उनके बारे में कुछ कहेगा, वहाँ लगता है कि बजट में कमियाँ हैं बहुत सारी चीज़ें। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को देखें, जैसे उन्होंने कहा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप के संदर्भ में कई सारे कदम उठाए गए हैं, इनकम टैक्स फाइलिंग के संदर्भ में स्क्रूटनी प्रोसेस को एनोनिमस बनाने के मतलब पूरा जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है उसको ख़त्म करने की ओर कदम उठाने के, तो ये सब ये संकेत जो है मैं समझता हूँ कि इस युग में जहाँ हम ई गवर्नेंस की ओर बढ़ रहे हैं उसका प्रयोग किया जा सकता है फेस टू फेस इंटरेक्शन और डिस्क्रिशनरी जो करप्शन होता है उसको कम करने के लिए, और इन सब चीज़ों को तो मैं एक सही दिशा में हम एक प्रोग्रेस दे सकते हैं, लेकिन इनका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी में और जो बड़ी समस्याएं हैं जिनको हम इस समय देख रहे हैं ये मुझे लगता है कि इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। ये भी कहा गया है कि जो सरकारी बैंक है उन्हें 70,000 करोड़ की मदद दी जाएगी और ये भी कहा गया है कि एनपीएस में कुछ कमी आई है पिछले दिनों में सरकार की कोशिशों की वजह से, क्या ये मतलब बैंकिंग सेक्टर को बूस्टअप करने से इस तरह के बूस्ट की जरूरत थी या इससे ज्यादा की उम्मीद की जा रही थी? ये पिछले साल रिकैपिटलाइजेशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को करने के लिए हर बजट पिछले 3 बजटों में प्रयास किया गया है और उसका असर भी हुआ है, और जैसा अरविंद सुब्रमण्यम जी ने पहले कहा था कि जो ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम है एक बड़ी समस्या अर्थव्यवस्था के सामने था, क्योंकि जब तक बजट ये बैंक्स को रिकैपिटलाइज नहीं करते और उनकी बैलेंस शीट साफ नहीं होती हैं तब तक वास्तव में वो कंजर्वेटिवली लैंड करेंगे और क्रेडिट एक्सपेंशन सही दिशा में नहीं हो पाएगा, तो ये उस दिशा में एक कदम है और उस दिशा में बहुत पहले से सरकार कह रही थी कि वो सीक्वेंशली इन कदमों को उठाएगी, तो ये दोनों ये एक और जो कदम उठाए गए हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा उगाही की जा सके क्रेडिट की और दूसरी ओर से इन कदमों की, इनको तो हम एक सही दिशा में कदम मान सकते हैं उसी तरह। लेकिन एनबीएफसीज के लिए जो कदम उठाए गए हैं मुझे लगता है एनबीएफसीज इनको अपर्याप्त मानेंगे, क्योंकि बहुत ही सीमित रूप से सरकार ने कहा है कि पार्शियल क्रेडिट उनको जो है रिस्क फंड एक की एक विंडो उनको देने के लिए बात की गई है और सिर्फ उस संदर्भ में जहां उनके पास अच्छी रेटिंग वाले जो उनका पोर्टफोलियो है उसके अगेंस्ट देने की बात की गई है। मैं समझता हूँ एनबीएफसी इसको अपर्याप्त मानेंगे। अगर अगर जैसे उन्होंने शुरू में कहा निर्मला सीतारामन ने कि उनका थीम है रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, तो रेडिकल रिफॉर्म आपको कौन से नजर आ रहे हैं इसमें? कोई रेडिकल रिफॉर्म है? और रेडिकल रिफॉर्म अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? मौका था आपके पास, इतना बड़ा मैंडेट मिला है, कोई चुनाव सामने है नहीं,
तीन राज्यों के चुनाव हैं, पर आप रेडिकल रिफॉर्म अगर करना चाहते थे तो कर सकते थे, आपको कोई रेडिकल रिफॉर्म नज़र आ रहा है या एक दो तीन कुछ भी बता दीजिए क्या रेडिकल रिफॉर्म है? रेडिकल रिफॉर्म जैसा आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कार्यप्रणाली में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को मजबूत करना, आरबीआई के दायरे में हाउसिंग फाइनेंस को लाना और एनबीएफसीज को लाना, इस तरह के इसमें रिफॉर्म है। लेबर कोड्स की बात की गई है जो कि नई बात नहीं है, सरकार पिछले दो साल से इनके बारे में बात कर रही है और ये बहुत विवादास्पद है क्योंकि ट्रेड यूनियन से इनके बारे में अपर्याप्त तो बात हुई है। ट्राइपार्टाइट दायरे में जो बातचीत होनी चाहिए लेबर कोड्स के बारे में वो नहीं हो, लेबर लॉस का सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए ये सब मानते हैं, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए और जिस तरह से सरकार उस क्षेत्र में जल्दबाजी कर रही है उसको अगर आप बड़ा रिफॉर्म माने या उद्योग इसको बड़ा रिफॉर्म मानता है तो उसको आप एक बड़ा रिफॉर्म की दिशा में एक कदम मान सकते हैं। जी, इस समय कुछ राजनीतिक रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं, आइए देखते हैं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है। विशेष तौर पर वो सेक्टर जहां पर की जिस पर की फोकस करना है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, महिला हो, यूथ हो, शिक्षा हो, हमारा सेक्टर है जैसे बिजली का, ये हर सेक्टर को केटर करता है। यह बजट, यह भी बजट के साथ साथ यह भी है कि जो हम लोगों का फिस्कल कंसोलिडेशन है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अनुसार चलते हुए भी हम लोग अपने ग्रोथ पाथ पर हैं। ग्रोथ पाथ यह है कि देखिए 65 वर्ष लग गए हम लोगों को 2 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में और उसमें एक ट्रिलियन हम लोगों ने जोड़ दिया पिछले एक वर्ष में, और अब हम एक ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को एड्रेस कर रहे हैं जो इंक्लूसिव इनकम टैक्स। देख रहे थे बीजेपी नेता आरके सिंह को जो बता रहे थे कि 65 साल लग गए हमें 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने में, लेकिन हम 5 साल में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी और बन गए, यानी कि अब हम जो है इस समय जो हमारी इकोनॉमी है वो 3 पॉइंट समथिंग कुछ है, 2.8 ट्रिलियन डॉलर है, तो हम 1 ट्रिलियन डॉलर की जो बढ़ोतरी है वो पिछले कुछ 5 सालों के दौरान ही कर लिए, लेकिन और अब ये दावा किया जा रहा है कि हम 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और उसी के लिए मतलब बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये मान रहे हैं कि इस बार जो बजट पेश किया गया है सरकार की का सारा ध्यान इस पर है कि कैसे हम अपनी इकोनॉमी की गति को तेज करें और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जो हमारा लक्ष्य है उसको हासिल कर सकें, और उसी की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। सतिन जी, जब निर्मला सीतारमन ने अपना बजट भाषण शुरू किया तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है, तो इसमें चिराग जलाने के लिए उन्हें कोई हवा की ओट लेनी पड़ी है या आसानी से चिराग जला पाई है वो? टेकल होता है उसमें बहुत धनी है, जो शब्द जैसे शब्द किए गए जिस शेर साहिब कुछ दक्षिण के जो संत हैं या स्वामी विवेकानंद को कोट करते हुए इस तरह की बहुत सी बातें की गई, ये हर साल ज़्यादातर वित्त मंत्री करते हैं, लेकिन ये बजट सुनते हुए हम जैसे एक सामान्य व्यक्ति को ये महसूस होता रहा कि अभी भी हम लोग कोई चुनावी भाषण सुन रहे हैं, 5 साल में क्या किया गया और उसके पहले क्या नहीं किया गया, यह इन बातों का जिक्र इसमें बार बार होता हुआ हम लोगों ने सुना। अब जैसे अभी आरके सिंह जी ये कह रहे थे या ये बात वित्त मंत्री ने भी अपने भाषण में कही कि पहला 1 ट्रिलियन बनने में हम लोगों को तकरीबन 50 साल लगे 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में जी। जब एनडीए सरकार आई थी तब 1.7 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी थी और इस सरकार ने सिर्फ 5 साल में 1 ट्रिलियन उसमें और जोड़ दिया, 2.7 कर दिया। अब ये बात कुछ वैसा ही कहना है कि एक बच्चा जो जन्म लिया है उसको पहली किताब पढ़ने में ठीक से लगभग 10 साल लगे या 12 साल लगे और उसके बाद वो हर साल क्या एक साल में वो कई किताबें पढ़ लेता है। एक नेसेंट देश में, एक जो देश नया आज़ाद हुआ था, जो देश करीब 250-250 साल एक उपनिवेशवादी शोषण में था और उसके बाद जहां से उसने खड़ा होना शुरू किया जी, उसके बाद ये उम्मीद करना जी, हम आपके पास लौटेंगे। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं मीडिया से, हम सीधे चलते हैं वहां आपको लेकर। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सोलर सेक्टर पर
विशेष बल दिया गया है। पिछले 5 साल में देश निराशा के वातावरण को पीछे छोड़ चुका है, उस वातावरण से बाहर निकल गया है। आज देश उम्मीदों से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। बिजली, गैस, सड़क, गंदगी, भ्रष्टाचार, वीआईपी कल्चर, अनेक अनेक कठिनाइयां सामान्य मानवी को अपने हक के लिए जद्दोजहद की जिंदगी, यानी एक प्रकार से खुद से ही उसको जूझना पड़ता था, उसको कम करने के लिए हमने लगातार प्रयास किए हैं, सफलता भी मिली है। आज लोगों के जीवन में नई आकांक्षाएं और खूब सारी अपेक्षाएं हैं। ये बजट देश को विश्वास दे रहा है कि इन्हें पूरा किया जा सकता है, ये विश्वास दे रहा है कि दिशा सही है, प्रोसेस ठीक है, गति सही है और इसलिए लक्ष्य पर पहुंचना भी निश्चित है। ये बजट आशा, विश्वास और आकांक्षा का बजट है। ये बजट 21वीं सदी के भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने और न्यू इंडिया के निर्माण में एक अहम कड़ी साबित होगा। ये बजट वर्ष 2022 यानी आजादी के 75 वर्ष से जुड़े संकल्पों को पूरा करने में देश का मार्ग निर्धारण करेगा। पिछले 5 वर्ष हमारी सरकार ने गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को सशक्त करने में, एम्पावर करने के लिए अनेकविध कदम उठाए। अब अगले 5 वर्षों में यही एम्पावरमेंट उन्हें देश के विकास का पावर हाउस बनाएगा। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी कि $5,00,000,000,000 की अर्थव्यवस्था के सपनों को पूरा करने की ऊर्जा देश को इसी पावर हाउस से मिलेगी। बजट में कृषि क्षेत्र में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को सीधे लगभग 87,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर हो या 10,000 से ज्यादा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ का संकल्प, मछुआरों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो या नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रिड की स्थापना, ये योजनाएं वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में प्रभावी भूमिका निभाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने से गांव में ही रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। जनशक्ति के बिना जल संचय संभव नहीं है। जल संचय जन आंदोलन की भावना से ही हो सकता है। इस बजट में वर्तमान ही नहीं, भावी पीढ़ी की चिंता साफ साफ नजर आती है। स्वच्छ भारत मिशन की तरह हर घर जल का अभियान देश को जल संकट से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम बनाएगा। बजट में लिए गए फैसले अगले दशक की नींव मजबूत करने के साथ ही नौजवानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। ये बजट आपकी अपेक्षाओं का, आपके सपनों का, आपके संकल्पों का भारत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मैं कल काशी में इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने वाला हूं, लेकिन आज मैं फिलहाल फिर एक बार वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और भारत के सभी नागरिकों को उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो 5 साल में गरीबों को पावर हाउस बनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी को आप अभी सुन रहे थे। वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसके बारे में उनकी राय सुन रहे थे और उन्होंने वित्त मंत्री को बधाई दी है और वित्त मंत्रालय के लोगों को भी बधाई दी है जिन्होंने इस बजट को प्रस्तुत करने में और बनाने में योगदान दिया। उन्होंने कहा कि ये बजट देश को निराशा के वातावरण को छोड़कर उम्मीदों से भरा हुआ है और आशा, विश्वास और आकांक्षा का बजट है। उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी बात मुझे देखने को मिल रही है अमरीश राय जी कि वो जल संचय को बहुत जोर दे रहे हैं और जो जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है उसके लेके अभी हाल में सरकार ने लॉन्च भी किया था उसको और बार बार ये कहा जा रहा है कि हम उसको एक जन आंदोलन की तरह से बनाएंगे जैसे कि हमने स्वच्छ भारत मिशन चलाया। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन की हकीकत भी सबको पता है क्या? ये जो जल शक्ति मंत्रालय और जल शक्ति के तहत जो सरकार की योजनाएं हैं ये आपको लगता है कि वो अभी जितनी बातें कही गई हैं उससे सचमुच कारगर साबित होंगी आने वाले दिनों में ये और जन आंदोलन के तहत ही इसे हासिल किया जा सकेगा जल की समस्या? देखिए, जल का तो एक बड़ा संकट आधा भारत महसूस कर रहा है जी। अभी इस बार और शायद बारिश अगर नहीं होगी तो और भी ये भयावह हो जाएगा। तो इस संकट को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और लेकिन इस संकट को के निवारण के लिए जो सुझाव है, जो रास्ते हैं, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस बजट में भी नहीं दिखाई दिया। पाइप वाटर की जो लक्ष्य था वो तो पुराना लक्ष्य है। हाँ, पुराना लक्ष्य है। और ये जो हर घर जल पहुंचाने की बात है, इसके लिए फाइनेंशियल प्रोविजन क्या है, ये तो कुछ दिखाई नहीं दिया इनके पूरे भाषण में। दूसरी बात ये है कि हमारे नदियों का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही धीरे धीरे कमजोर होता चला जा रहा है। गंगा के नाम पर इतने पैसे लगाए गए और उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये जल को लेकर के बिना किसी योजना के कोई बड़ा जन आंदोलन इस देश में खड़ा हो सकता है। हाँ, लोग जगह जगह अपने से स्वतः स्फूर्त तरीके से अपनी कुछ योजनाएं बना रहे हैं, कुछ पहल ले रहे हैं, कुछ आंदोलित हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा मैकेनिज्म दिखाई नहीं दे रहा है और ये एक नारेबाजी की तरह से हमको लग रहा है कि एक नारेबाजी साबित हो जाए जी। प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव, ये जो पूरा बजट है, ये हमें कहा जा रहा था कि ये इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ का बजट है, तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है? डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ रही है इसमें? और अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है? ये निर्मला सीतारमन जी ने शुरुआत इस बात से की कि FDI हमारी 6.5% पिछले साल और इस साल बढ़ी है, और जो जितना भाषण में उन्होंने ढेर सारे कदम FDI को ढील देने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में ढील तो दिए, पर क्या जरूरी तो, है कि आ जाएंगे, क्योंकि नहीं और भी जा सकती है। बिल्कुल सही है, और ये एक इकोनॉमिक सर्वे में कल इस बात को कहा गया क्योंकि हम एक तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और इसलिए हमारे FDI का जो परिमाण है वो भारत में बढ़ेगा, और उस दिशा में ये बजट है कि अगर हम डील देंगे सरकारी जो शेयर है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में उसको कम करेंगे, उसके दायरे को कम करेंगे, FDI की लिमिट्स को सेक्टोरली बढ़ाएंगे, तो ये सब मतलब जो मुख्य आप जैसे इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, मुख्य जो धार है इस बजट की वो इन्वेस्टमेंट रेट को FDI के माध्यम से बढ़ाने की है, रिसोर्सेज को डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से रेस करने की या डाइवेस्टमेंट के माध्यम से रेस करने की, और इन्वेस्टमेंट रेट को FDI के माध्यम से रेस करने। ये भी समझाइए कि इकोनॉमिक सर्वे में ये भी कहा गया था कि ये डिमांड लेड मॉडल नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स लेड मॉडल है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? और कहीं ना कहीं डिमांड लेड मॉडल और इन्वेस्टमेंट लेड मॉडल कहीं तो मिलेंगे। सो जैसा आप कह रहे हो कि वो उनको अगर सेविंग्स की बात को बढ़ाने की, कोई डोमेस्टिक सेविंग्स को बढ़ाने का, तो इसमें कोई जिक्र नहीं है नहीं। और अभी हमने उसका वैसे अब डिटेल फिगर्स भी नहीं देखे हैं, कोई जिक्र नहीं है। इन्वेस्टमेंट रेट FDI के माध्यम से बढ़ाने की एक हम इसमें एक पहल हम इसमें देख सकते हैं। जो आप मांग की बात कर रहे हैं, ये फिर इकोनॉमिक सर्वे की ओर अगर हम देखें तो इकोनॉमिक सर्वे में भी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात कही गई, मतलब बेसिकली एक्सपोर्ट डिटरमिन्ड ग्रोथ, और यहाँ भी हम वही देख रहे हैं, बेसिकली शिफ्टिंग अवे फ्रॉम डोमेस्टिक डिमांड
एंड कंजम्पशन लेड ग्रोथ टू एक्चुअली लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केट्स कि अगर हम विश्व उसको देखें और वहां निर्यात पर आधारित हम वृद्धि को बढ़ाने की। पर इसमें एक प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दुनिया भर में इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, बड़ी समस्या है। तो दुनिया में बाकी जगह से डिमांड आएगी और भारत में भी डिमांड पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं, इनकम बढ़ाने में फोकस नहीं कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि विदेशी डिमांड से आज की जो परिस्थितियां हैं जिनमें करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, तेल के दामों के बढ़ने की पूरी संभावना है, रूस और सऊदी अरेबिया एक दूसरे से बात कर रहे हैं तेल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, और अमेरिका का रुख हम देख रहे हैं कि विश्व में क्या है, भारत के प्रति क्या है, इस समय एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पर आधारित होना मैं समझता हूं कि ये इस स्ट्रेटजी के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या इसलिए भी विचार नहीं करना चाहिए कि 2013 से लेकर अब तक हमारे एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, तो अचानक 2019 में बढ़ कैसे जाएंगे? इस एक्सपोर्ट्स का रिवाइवल थोड़ा बहुत जो पिछले दो साल 15-16 में तो नेगेटिव थे, 15-16 के बाद से एक स्लो रिवाइवल, जी थोड़ा स्लो रिवाइवल, लेकिन पिछले क्वार्टर से फिर आप उसको देख रहे हैं कि समस्या खड़ी हो रही है। लेकिन जो इस समय जो इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी है और इंटरनेशनल अर्थव्यवस्था में जो फ्रेजिलिटी है उसके संदर्भ में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के एक मॉडल को इस समय लेकर आगे बढ़ना मैं समझता हूं कि ये बहुत जायज नहीं है और इसके ऊपर निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए। जी, हालांकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आशा और उम्मीदों का बजट है, लेकिन तमाम जो अर्थशास्त्री हैं वो इस बजट से ये उम्मीद लगा रहे थे कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार क्या कर सकती है। जैसा कि रवि श्रीवास्तव ने बताया कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार की तरफ से दुनिया की तरफ देखने की ज्यादा कोशिश हुई है और ग्लोबल मार्केट यानी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा जारी रखेंगे।